हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि UPRV UNL की वैकेंसी आई हुई है, तो हम लोग को बेसिकली वहाँ पे 150 क्वेश्चन टेक्निकल के होने वाले हैं। तो इसका मतलब आपको हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो वो जानकारी आपको कैसे होगी? जब तक आप पेपर को सॉल्व नहीं करोगे प्रीवियस ईयर के, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन, नए और जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको मिलते रहेंगे। जैसा कि मैंने DMRC और इसरो के पुराने पेपर बना रखे हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू कर देते हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मेडक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पेपर के बारे में। तो ये दोस्तों 16 अप्रैल 2017 को ये पेपर आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, एक थ्रेड प्लग गेज का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, क्या थ्रेड की पिच को मापने के लिए किया जाता है, या फिर थ्रेड के आकार को मापने के लिए किया जाता है, या फिर थ्रेड के रूप और आयामी सटीकता मापने के लिए किया जाता है, या फिर केवल थ्रेड के आयाम मापने के लिए किया जाता है? जैसा कि आपसे पूछ रहा है, ये गेज है। तो सबसे पहली बात तो ये गेज है, तो इसका मतलब इस यहाँ से मेजरमेंट नहीं होगी दोस्तों। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये क्या होता है, किसी भी चीज को चेक करने के लिए किया जाता है, क्या ये साइज में है कि नहीं है, ये उसको मेजर नहीं करते दोस्तों। तो जब गेज की बात होती है तो ये मेजरमेंट नहीं करते दोस्तों, ये खाली एक चेकिंग टूल है, ना कि मेजरमेंट टूल। और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं थ्रेड प्लग गेज, अगर थ्रेड प्लग गेज की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये थ्रेड को चेक करेगा, और प्लग पूछ लिया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या ये थ्रेड की पिच चेक करेगा? तो पिच तो चेक क्या करता है दोस्तों, स्क्रू पिच गेज। क्या चेक करता है? स्क्रू पिच गेज चेक करता है, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। और थ्रेड का आकार चेक करेगा क्या है दोस्तों, ये भी गलत ऑप्शन हो गया, थ्रेड का आकार भी नहीं चेक करता। क्या केवल थ्रेड के आयाम, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, थ्रेड के रूप और आयामी सटीकता चेक करता है। क्या चेक करता है? थ्रेड के रूप और आयामी सटीकता, कि कितनी सटीकता में वो बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेड के रूप और आयामी सटीकता। तो दोस्तों थ्रेड प्लग गेज क्या चेक करता है, थ्रेड के रूप और आयामी सटीकता। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, आमतौर पर पुली की बाहरी सतह थोड़ा उत्तलता के साथ परिष्कृत की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या पुली की क्राउनिंग कहा जाता है, या पुली का फ्लैंक कहा जाता है, या पुली की प्रभावी व्यास कहा जाता है, या पुली की दरार कहा जाता है? तो दोस्तों जो पुली होती है, तो पुली की बाहरी सतह में थोड़ी उत्तलता दी जाती है, तो ये उत्तलता किस लिए दी जाती है, ये वो पूछ रहे हैं। तो सॉरी, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि उत्तलता जो दी जाती है उसको परिष्कृत क्यों किया जाता है, तो उसको जो परिष्कृत करते हैं तो उसे बोला क्या जाता है दोस्तों? ये प्रिसीजन में जैसे पुली होती है तो उसके ऊपर थोड़ी उत्तलता दी जाती है, तो ये उत्तलता किस लिए दी जाती है दोस्तों, ताकि पुली पे रोप का बैलेंस बना रहे, तो रोप का बैलेंस बना रहेगा जिससे कि पुली आराम से मूवमेंट हो पाएगा। तो इस युक्ति को दोस्तों क्या बोला जाता है दोस्तों, वो ये पूछ रहे हैं। तो इस युक्ति को बोलते हैं पुली की क्राउनिंग। क्राउनिंग एक क्राउनिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, क्राउन मतलब किंग के ऊपर जो एक मुकुट दिया जाता है उसको क्राउन बोलते हैं। तो क्राउन का मतलब हल्का सा उत्तलता दी गई, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये क्राउन है, तो उसको बोलते हैं क्राउनिंग, पुली की क्राउनिंग। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है, काउंटर सिंक ड्रिल का कौन सा कोण थ्रेड किए जाने वाले छिद्रों के सिरों को तिरछा चैम्फर करने के लिए चुना जाता है? क्या 120 डिग्री में करते हैं, या 80 डिग्री में करते हैं, या 90 डिग्री में करते हैं, या 75 डिग्री में करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 120 डिग्री में। दोस्तों काउंटर सिंक की जब भी बात आएगी तो वो 120 डिग्री में काउंटर सिंक किया जाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है, काउंटर सिंक क्या होता है दोस्तों? काउंटर सिंक कुछ इस प्रकार से बेवल किया जाता है एंगल को, ये होती है काउंटर सिंक दोस्तों, इसे बोलते हैं काउंटर सिंक। ये जो एंगल दिए जाते हैं ये 120 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं 120 डिग्री बन रहा है, तो इसको काउंटर सिंक बोलते हैं। एक होता है, दूसरी युक्ति होती है काउंटर बोरिंग। तो काउंटर बोरिंग कैसे होती है दोस्तों, ये देखिए ये फिगर है, इसे बोलते हैं काउंटर बोरिंग, जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस
दिया जाता है, ये होती है काउंटर बोरिंग और ये होती है काउंटर सिंकिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ड्रिलिंग प्रचालन के लिए शीतलक के रूप में सामान्य नल के पानी का उपयोग ना करने का क्या कारण है? दोस्तों जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो वहां पे ये पूछ रहे हैं कि वहां पे नॉर्मल वाटर क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्या अपर्याप्त शीतलन प्रभाव है या फिर वो पूरी तरीके से शीतलन नहीं कर पाता यानी कि ठंडा नहीं कर पाता, क्या ड्रिल की कम कटाव क्रिया यानी कि ड्रिल कम कटाव करेगा कटिंग करेगा, या संचारण का उच्च जोखिम, या फिर पानी का त्वरित वाष्पीकरण, क्या पानी उड़ जाता है उसकी वजह से? तो उसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, संचारण की उच्च जोखिम मतलब कि कोरोजन हो जाता है यानी कि जंग लग सकता है आपके जॉब पे, तो इसलिए आप वहां पे नॉर्मल पानी का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते दोस्तों? क्योंकि उससे जंग लग जाता है जिससे जॉब आपका खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। धातु के किनारे से किसी भी कीलक के केंद्र तक की न्यूनतम दूरी क्या होगी? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और काफी एग्जाम में पूछा भी गया है, ऑर्डिनेंस के और इसरो के कई पेपरों में रिवेट से क्वेश्चन आते हैं। तो कीलक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिवेट बोलते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है धातु के किनारे से किसी भी कीलक के केंद्र तक की न्यूनतम दूरी क्या होगी, यानी कि ये धातु है, धातु के किनारे से कीलक तक की निम्न दूरी कितनी रखी जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना रखा जाएगा दोस्तों किनारे से, तो कितनी दूरी होगी? क्या कीलक के व्यास का 3 गुना होगा, यानी कि कीलक का जो व्यास है ये आपका रिवेट है उसके व्यास का क्या 3 गुना रखा जाएगा, या फिर कीलक के व्यास का 1.5 गुना, या फिर कीलक के व्यास का 2 गुना, या फिर डी ऑप्शन है इनका, कीलक के व्यास जितना यानी कि कीलक के जितना व्यास है उतनी दूरी रखी जाएगी। तो दोस्तों कितनी जो दूरी रखी जाएगी? कीलक के व्यास के 1.5 गुना, यानी कि अगर आपका रिवेट का व्यास 1 है तो इसकी दूरी होगी 1.5 mm, या अगर इसका रिवेट की दूरी, रिवेट का व्यास अगर डाया आपका 4 है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? मान लीजिए 6 है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4.5, कितनी हो जाएगी? 4.5, यानी कि 1.5 गुना रखा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसमें पूछ रहा है डैश से बनाए गए उपकरण पर ऋणात्मक रैक कोण आमतौर पर उपलब्ध कराया जाता है, टंगस्टन कार्बाइड का, या फिर हाई कार्बन स्टील का, या फिर टूल स्टील का, या फिर हाई स्पीड स्टील का। तो ऋणात्मक कोण बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? क्या टंगस्टन कार्बाइड का, हाई कार्बन स्टील का, टूल स्टील का, या हाई स्पीड स्टील का? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? टंगस्टन कार्बाइड। किसका बनाया जाता है? टंगस्टन कार्बाइड का दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है फिट एंड टॉलरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके लिए। तो ये जो फिट एंड टॉलरेंस है इसके ऊपर मैं एक ब्रीफली एक वीडियो बनाने वाला हूँ, टॉपिक वाइज जो चैप्टर आने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट से, हार्डनिंग से, टेम्परिंग से, फिर लिमिट फिट टॉलरेंस है और मेजरिंग टूल से। तो आप वीडियो चैनल पे बने रहिए जिससे कि ये वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। S7/G6 किस तरह की फिट को इंगित करता है? क्या ये क्लियरेंस फिट है, या फिर इंटरफेरेंस फिट है, क्या ये पुश फिट है, क्या ट्रांजिशन फिट है? तो क्या है दोस्तों? ये क्लियरेंस फिट है। क्लियरेंस फिट वहां होता है जहां पे जैसे ये होल है इसमें आसानी से शाफ्ट मूव कर जाता है तो उसको बोलते हैं क्लियरेंस फिट। एक होती है इंटरफेरेंस फिट जिसमें होल का साइज जो होता है वो सॉफ्ट के साइज के बराबर होता है तो इजीली इसमें मूवमेंट नहीं हो पाती, वहां ये टाइटली इसमें जाता है जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं होती, उसे इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों जैविक बंधित ग्राइंडिंग व्हील यानी कि ग्राइंडिंग व्हील को डैश सहन कर सकता है, क्या स्थूल उपयोग, सुचारू उपयोग, उपकरण कक्ष उपयोग, या उच्च क्षमता? तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों इसमें? स्थूल उपयोग। जैविक बंधित ग्राइंडिंग व्हील को स्थूल उपयोग को सहन कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार से कपलिंग में प्रत्येक शाफ्ट पर एक योग होता है? यूनिवर्सल कपलिंग में होता है, मफ कपलिंग में होता है, या रिजिड कपलिंग में होता है, या स्पाइडर कपलिंग में होता है? तो किसमें होता है दोस्तों? प्रत्येक शाफ्ट पे एक योग होता है तो वो कौन सा है? यूनिवर्सल कपलिंग है। जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है उसमें
हर शाफ्ट पे एक योग दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर का। उच्च प्रतिबल नट और बोल्ट के को आमतौर पर डैश किया जाता है, क्या नाइट्रेट करते हैं, नाइट्राइडिंग करते हैं, या कठोरित हार्डनिंग करते हैं, या टेम्परिंग करते हैं, या उसके बाहरी खोल को कठोर कर देते हैं यानी कि केस हार्डनिंग कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, टेम्परिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, टेम्परिंग करेंगे। जहाँ पे उच्च प्रतिबल नट और बोल्ट को आमतौर पर डैश किया जाता है, जहाँ पे उच्च बल लगता है तो उस नट और बोल्ट पे क्या करेंगे दोस्तों, टेम्परिंग करेंगे जिससे कि वो शॉक को सह पाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 11th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण कोई धातु कीलक लगे जोड़ों में संधारित्र यानी कि क्रश हो सकती है। तो क्रश कैसे होगा, जो आपकी रिवेट होती है वो मटेरियल को धसा देती है अंदर, तो ऐसा किस केस में होता है, प्लेटों की अनुचित व्यवस्था, या फिर कीलक का व्यास बहुत छोटा होना, या फिर कीलक का व्यास बहुत बड़ा होना, या फिर प्लेटों की मोटाई अधिक होना। तो यहाँ पे आपको प्लेटों की मोटाई अगर अधिक होगी तो ये इसमें क्रश ही नहीं कर पाएगा यानी कि ये इसमें धस नहीं पाएगा, तो ये आंसर ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पूछा है कीलक का व्यास बहुत छोटा, अगर कीलक का व्यास बहुत छोटा होगा इसका व्यास तब भी ये इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा दोस्तों, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। प्लेटों की अनुचित व्यवस्था, अनुचित व्यवस्था भी आपका गलत है, यहाँ राइट हो जाएगा कीलक का व्यास बड़ा होना, यानी कि कीलक का व्यास अगर बड़ा होगा तो वो मटेरियल को क्रश कर देगा, अंदर की ओर दबा देगा। अगर इसका व्यास अगर बड़ा होगा तो ये इसको अंदर की ओर धसाना चालू कर देगा क्योंकि इसका फोर्स भी बढ़ जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कीलक का व्यास बड़ा होना यानी कि डाया उसका बड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, एक वर्नियर कैलिपर की कम से कम संख्या क्या है, अगर 19 मुख्य पैमाना विभाजन को 20 वर्नियर पैमाने पर विभाजित करता है जहां एक मुख्य पैमाना 1 mm के बराबर है। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है दोस्तों 19 मुख्य पैमाना यानी कि 19 मेल स्केल डिवीजन आपका 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा, कितने, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो पूछ रहा है यहाँ पे मुख्य पैमाना कितना है, 1 mm बराबर है, तो यानी कि 19 मेन स्केल डिवीजन 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे एक मुख्य पैमाना 1 mm, तो एक मुख्य पैमाना किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 19/20 में डिवाइड करेंगे तो 1/20 आ जाएगा, 1/20 यानी कि 20 को डिवाइड कर देंगे 1 से तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 0.05, क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.05। तो ये आपके लीस्ट काउंट की फॉर्मूला होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जटिल प्रणाली के लिए सुरक्षा प्रोग्राम में अक्सर उपयोग की जाने वाली विधि क्या है, फॉल्ट विश्लेषण, ऑडिट विश्लेषण, फिशबोन विश्लेषण, या पैरेटो चार्ट विश्लेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्ट विश्लेषण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबे हो जा रही है। स्लिप गेज की कठोरता को डैश होना चाहिए, कितनी कठोरता होगी स्लिप गेज की, क्या 50/400 होगी, या 63/400 से अधिक होगी, या 58/400 होगी, या फिर 55/400 होगी। तो देखिए दोस्तों स्लिप गेज की 84 जो होगी आपकी 63/400 से भी अधिक होगी, कितनी होगी दोस्तों, 63/400 से भी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका है, इंटरफेरोमेट्रिक माप के लिए स्टील सतहों के लिए उपयोग की जाने वाली ऑप्टिकल परिघटना क्या है, ध्वनि का परावर्तन, तरंगा का परावर्तन, प्रकाश किरणों का परावर्तन, या प्रकाश अपवर्तन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रकाश किरणों का परावर्तन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन आपका, पाइप के समापन सिरे में कौन सी फिटिंग का उपयोग किया जाता है, क्या प्लग का प्रयोग करेंगे, या कैप का प्रयोग करेंगे, या निप्पल का प्रयोग करेंगे, या कपलिंग का प्रयोग करेंगे। समापन सिरों मतलब जो एंड पॉइंट होता है वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, वहां प्रयोग करते हैं कैप का, किसका प्रयोग करते हैं कैप।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि किस उपकरण को टेपर टर्निंग के दौरान फॉर्म टूल विधि द्वारा लॉक किया जाता है? क्या कैरिज को लॉक किया जाता है, क्या टॉप स्लाइड को लॉक किया जाना है, या टेलीस्टॉक को लॉक किया जाना है, या फिर कंपाउंड रेस्ट को लॉक किया जाना है? तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, कैरिज को लॉक किया जाना है। क्या दोस्तों, कैरिज को लॉक किया जाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, आमतौर पर मापन नोक पर मापे जाने वाली कार वस्तु के बीच किस तरह की त्रुटि होती है? क्या उसमें सूक्ष्म ज्योमेट्री त्रुटियां होंगी, या दीर्घ ज्योमेट्री त्रुटियां होंगी, या फिर संपर्क कॉन्टेक्ट त्रुटियां होंगी, या फिर व्यवस्थित सिस्टमेटिक त्रुटियां होंगी? तो कौन सा होगा दोस्तों, आमतौर पर मापन नोक और मापे जाने वाली कार वस्तु के बीच किस प्रकार की त्रुटि होती है दोस्तों? संपर्क त्रुटि कौन सी होती है? संपर्क त्रुटि, जिसे कॉन्टेक्ट एरर भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है सीमा गेज को आमतौर पर डैश से परिष्कृत किया जाता है, लिमिट गेज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्या 3/10 की टॉलरेंस दी जाती है, या 1/100 की टॉलरेंस दी जाती है, या फिर 1/10 की टॉलरेंस दी जाती है, 2/10? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 1/10 की टॉलरेंस दी जाती है। कितनी दोस्तों, लिमिट गेज को डैश परिष्कृत की जाती है कितनी, 1/10 की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 1 माइक्रोमीटर में 0.04 मिलीमीटर की धनात्मक त्रुटि है, जब माइक्रोमीटर की परिमाप 45.04 mm आती है तो सही रीडिंग बताइए क्या होगी? क्या 44.96 होगी, या फिर 45.04 होगी, या फिर 45 होगी, या फिर 45.08? जब भी दोस्तों यहाँ पे आपको धनात्मक त्रुटि यानी कि पॉजिटिव एरर पूछता है, तो जितना आपको दिया है 0.04 mm, तो ये आपकी एक्चुअल रीडिंग जो आ रही है माइक्रोमीटर की माप की 45.04 से माइनस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 45.04 से अगर माइनस कर दें इनको 0.04, तो आपका आ जाएगा 45.00। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45.00 mm। और अगर आपसे नेगेटिव एरर के बारे में पूछ लेता है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव के बारे में पूछता है, अगर इसकी जगह आपको नेगेटिव दिया होता है, यानी कि ऋणात्मक त्रुटि यहाँ पे दी होती, इसकी जगह ऋणात्मक अगर दी होती, तो दोस्तों यहाँ पे 45.04 में आप कितना ऐड कर देते, 0.04, तब आपका आंसर कितना हो जाता, 45.08। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे, और बाकी के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपकी आती रहे। ओके, जय हिंद।